हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, एक कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। दरअसल में कुछ लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कैमरा पकड़ने का ढंग नहीं होता। अगर आप कैमरे से ब्लॉगिंग करते हो तो ठीक है, अगर आप एंड्राइड फ़ोन से ब्लॉग करते हो तो एंड्राइड फ़ोन को किस तरीके से पकड़े कि हमारा जो ब्लॉग है मतलब कंटिन्यू चालू रहे कैमरा, तब उसको ब्लॉग कहते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसी ट्रिक, जिस ट्रिक को आप लोग अपने एंड्राइड फ़ोन में अप्लाई करके आप लोग एक प्रोफेशनल ब्लॉग बना सकते हो। तो चलिए, इस ब्लॉग पे अगर आप लोग नए हैं, आपको कुछ जानने को भी मिल रहा है। अगर इस ब्लॉग में आप लोग नए हैं तो ब्लॉग को कर देना लाइक, चैनल पे नए होंगे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए आइए, वीडियोस को आज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले एंड्राइड फ़ोन पे आते हैं। तो गाइस, एंड्राइड फ़ोन आपको वो लेना है जिसका कैमरे में वाइड एंगल का ऑप्शन हो। अगर ऐसा मोबाइल फ़ोन आप लेते हो एंड्राइड का, तो उसमें ब्लॉगिंग करना आपको और भी आसान हो जाता है। वाइड एंगल से क्या रहता है, आपका मोबाइल जो है आपके हाथ में ही रहेगा लेकिन जो पीछे एरिया रहेगा वो ज़्यादा कवर करेगा। तो अभी मेरे पास है Realme 7 का और इसमें वाइड एंगल का ऑप्शन है और इससे मैं ब्लॉगिंग करने का तरीका और मोबाइल को पकड़ने का तरीका आप लोगों को बताता हूँ, जिससे कि आप लोगों का फ्रेम अच्छा है। दरअसल में दोस्तों, अगर बात करें जो प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं होते, वो फ्रंट कैमरे से ब्लॉगिंग करते हैं। और फ्रंट कैमरे से ब्लॉगिंग करने से क्या होता है, आपकी वीडियो क्वालिटी जो है बहुत ही ख़राब आती है। तो फाइनली गाइज, ये है Realme 7 का मोबाइल और इसमें हम लोग अपने कैमरे को ऑन कर लेते हैं और वाइड एंगल पे जाते हैं और रियर कैमरे से ही ब्लॉग हम लोग करेंगे। और रियर कैमरे से ब्लॉग करने का तरीका ये है कि आपको मोबाइल ऐसे पकड़ना है, या फिर आप लोग मोबाइल ऐसे पकड़ सकते हो 360, यानी अगर ऐसे मोबाइल पकड़ोगे तो क्या रहेगा, आपको घुमाने में अगर सामने कोई बंदा है उसको दिखाने में आपको बिल्कुल 360 में ऐसे रोटेट कर सकते हो, दिखा सकते हो। बहुत से लोग रहते हैं ऐसे ही पकड़ लेते हैं और फ्रंट कैमरे से ब्लॉगिंग करते हैं, तो ये गलत तरीका है। इससे आपकी वीडियो क्वालिटी भी ख़राब आएगी और आप अगर सामने कोई है तो उसे दिखा भी नहीं सकते। तो मैं अब ब्लॉग करने जा रहा हूँ और इस तरीके से आपको भी ब्लॉग करना है ताकि आपके भी चैनल ग्रो हो सके। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको मोबाइल पकड़ना है और इस तरीके से ब्लॉगिंग करना है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आपको वीडियो शूट करना है जिससे कि आपका फ्रेम अच्छा आएगा। और आप अगर सामने वाले बंदे को दिखाना चाहते हो तो ऐसे मोबाइल करके आप दिखा सकते हो। वहाँ पे अभी वीडियो मेरी शूट हो रही है जिस वीडियो को आप लोग देख रहे हो। तो इस तरीके से अगर आप लोग वीडियो शूट करते हो तो आपका जो ब्लॉग है वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से और अच्छा आएगा। तो गाइस, देखा आप लोगों ने, अगर ब्लॉगिंग आप लोगों को करना है तो आप लोग पहले मोबाइल पकड़ने का ढंग समझिए, उसके बाद आप लोग ब्लॉग करोगे तो आपका जो ब्लॉग का वीडियो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आएगा और क्वालिटी भी आपकी अच्छी आएगी। कुछ इस तरीके से मोबाइल को आपको पकड़ना है, अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे आप लोग पकड़ सकते हो। इस तरीके से अगर आप लोग मोबाइल पकड़ोगे तो 360 पे रोटेट कर सकोगे और ऐसे रोटेट करोगे सामने वाला बंदा क्या कर रहा है वो भी दिखेगा। तो आई होप आज की वीडियो जो है आप लोग अच्छी लगी, वीडियो शो कर देना लाइक, चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। यहीं पर इस वीडियो को करते हैं एंड। बाय।